हाय देयर दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नॉलेज इन जनरल। मेरा नाम है अमित कश्यप और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और दोस्तों, मुझे ये वाली रिक्वेस्ट काफ़ी लोगों से आई थी। वो ये जानना चाह रहे थे कि मैं अपना ये शूट करता कैसे हूँ जिसके अंदर कंप्यूटर स्क्रीन मेरे पीछे होती है और मैं लाइव आप लोगों को समझा रहा होता हूँ। आपने मेरे काफ़ी ट्यूटोरियल्स में इस चीज़ को देखा भी होगा। सो दोस्तों, ये वाली चीज़ करना बहुत ईजी है और इस चीज़ को करने के लिए जो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, उनमें से सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्क्रीन रिकॉर्डर। जो भी आप लैपटॉप के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करते हैं, प्लीज मेक श्योर वो बढ़िया हो और आपकी ऑडियो अलग से रिकॉर्ड कर सके। यानी कि जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो कंप्यूटर जो है आपकी ऑडियो रिकॉर्ड कर सके। दूसरी चीज, एक स्मार्टफोन, क्योंकि अगर हम वेबकैम की बात करें जो इनबिल्ट होता है लैपटॉप्स में, वो इतना क्लियर नहीं होता जिसके अंदर आपकी फोटोग्राफ बढ़िया आ सके। सो एक स्मार्टफोन चाहिए, विच इज बट ऑब्वियस। और दोस्तों, तीसरी चीज़ जो है वो है ग्रीन स्क्रीन। दोस्तों, ग्रीन स्क्रीन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे प्रोसेस के अंदर अपने आप को अच्छे से डिस्प्ले करने के लिए। आप मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन देख रहे हैं। ग्रीन स्क्रीन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जो डिटेल वीडियो है वो आपको ऊपर आई लिंक पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, इन सबसे अलावा एक टेक्निकल चीज़ है जिसको बोला जाता है सिंक ऑडियो। उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगी या फिर ऊपर आई लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, ये जो सिंक ऑडियो है, इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे प्रोसेस के अंदर। आप ये जान लीजिए कि प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस तीन चार टेक्निकल चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये जो मैंने आपको बताई हैं वही हैं। और दोस्तों, लास्ट एक और चीज़, एक बात आप समझ लीजिए कि जब भी आप ये वाली वीडियो बनाने लगते हैं इस तरह की, जिसके अंदर आप पीछे कुछ जो है एक अलग से इमेज दिखाते हैं या फिर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन दिखाते हैं और आगे अपने आप को रखते हैं, ऐसे वाली जो वीडियोस होती हैं, एक्चुअली में देर आर टू डिफरेंट वीडियोस। एक वीडियो जो होती है जो कि आपका लैपटॉप के अंदर आपने एज अ स्क्रीन रिकॉर्डर सेव किया है, वो एक वीडियो बनेगी। और बिल्कुल उसी के सेम ऑडियो की दूसरी वीडियो जो होती है वो आपके जो है कंप्यूटर के सामने जो आपने ये रखा हुआ है अपना स्मार्टफोन, उससे बनेगी, जैसे मेरे केस में इस वाले फ़ोन से बन रही है। दोस्तों, ये दो वीडियोस होती हैं, उन दोनों को मर्ज करके आप वो वाला इफेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूँ। और कंप्यूटर स्क्रीन पर चले इससे पहले मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ कि सेटअप होता कैसे है। मैं ये दूसरे फ़ोन से आपको ये सेटअप अपना दिखाने जा रहा हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली दोस्तों, मैं अपना सेटअप अगर आपको इस एंगल से दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं इस एंगल से कि मेरा कंप्यूटर ये है और उसके सामने मैंने जो है ये ट्राइपॉड रखा हुआ है जिसके अंदर ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे पीछे एक ग्रीन स्क्रीन है। सो दोस्तों, ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इसी तरह से बनाया जा रहा है ताकि आपको जो है ईजिली व्यू मिल सके। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्मार्टफोन से ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, जो मैं बैठा हूँ एग्जैक्टली मेरे सामने लैपटॉप है जिसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्डिंग हो रही है। अब जब दो ये वीडियोज़ जो हैं हमारे पास रेडी हो जाती हैं, उसको हम साइबरलिंक पावर ट्रैकर में जाकर इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं मैं बहुत जल्दी से आपको उसके ग्लिम्स दिखा रहा हूँ। इसके अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें यूज़ होनी है विच आर इंपॉर्टेंट। वन इज़ ग्रीन स्क्रीन कैसे करते हैं, सेकंड चीज़ इज सिंक ऑडियो। ये दोनों की मैंने डिटेल वीडियोज़ ऑलरेडी बनाई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यू कैन चेक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए आइए, कंप्यूटर स्क्रीन में आपको मैं दिखा देता हूँ कि फाइनल टच में कैसे लगेगा। तो दोस्तों, ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है साइबरलिंक पावर डायरेक्टर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह का जब हम ट्यूटोरियल वीडियो शूट करते हैं तो उसमें दो वीडियोस बनती हैं। ये आप देख रहे हैं दो वीडियोस हैं, एक वीडियो जो है वो सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है और एक वीडियो जो है वो ग्रीन स्क्रीन के सामने जो मैं बैठा हूँ वो वाली सी रिकॉर्डिंग है। इन दोनों रिकॉर्डिंग्स के अंदर अगर हम बात करें तो ऑडियो कॉमन है। तो आगे का प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे आप जो रिकॉर्डिंग वाली जो है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली जो वीडियो है, उसको आप यहाँ पहली वाली टाइमलाइन पे प्लेस कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो सेकंड वाली है ग्रीन स्क्रीन वाली, उसको पिक करके सेकंड टाइमलाइन पे आप पेस्ट कर देंगे। यहाँ दोनों यहाँ पे प्लेस कर दिए हमने। अब क्या करना है दोस्तों, दोनों की ऑडियो सेम है। अब ऑडियो सेम होने के बाद हमें क्या करना होता है, पहली ऑडियो और सेकंड ऑडियो, इसको दोनों को सिलेक्ट कर देना है कंट्रोल दबा के। और फिर यहाँ पे ऑप्शन आती है सिंक ऑडियो की। सिंक ऑडियो पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ये जो कंप्यूटर है दोनों को मैच कर लेगा ये सॉफ्टवेयर, और दोनों की जो प्लेसमेंट है ऑडियो के बेसिस पे कर देगा। ये आप देखिए, क्लिप यहाँ पे ड्रैग होकर ऑटोमेटिकली मूव हो गया क्योंकि यहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। तो ये जो दोनों रिकॉर्डिंग्स हैं ये बिल्कुल परफेक्टली प्लेस्ड हैं। अगर मैं उनको प्ले करके दिखाऊंगा आपको तो पता चल जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, ये इतना अनवांटेड पोर्शन है, इतने पोर्शन को यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। इसको मैं ऐसे कट कर देता हूँ, यहाँ पर डिलीट करके लीव गया। तो आप ये देखिएगा, दोनों जो क्लिप्स हैं ये एक के ऊपर एक ओवरलैप्स हैं।
और दोस्तों ये वाली विंडो शो कर रही है कि यहाँ पे हमें दिखेगा कैसे। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस तरह से दिख रहा है। अब इसको ठीक कैसे करते हैं, जो आप इफेक्ट जो डालना है वो सिंपल सा इफेक्ट है दोस्तों, वो इसके अंदर यहाँ पे कारीगरी करेंगे हम इस वाले क्लिप के अंदर। इस वाले क्लिप के अंदर हम डिज़ाइनर में जाएंगे और यहाँ पे मास्क सेलेक्ट कर लेंगे मास्क। तो दोस्तों मास्क का जो ये इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पे मैं स्क्वायर सिलेक्ट करता हूँ तो देखिएगा पीछे का नज़र आने लगा, और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन होती है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, इसको हटा दिया तो एक्सपेक्ट रेशियो के हिसाब से मैं अपने आप को ऐसे मास्क कर सकता हूँ इतने ग्रीन एरियो को। इसको मैंने ओके कर दिया तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना सा ग्रीन स्क्रीन रह गया। अब क्या करेंगे, इसको फिर दोबारा यहाँ पे डिज़ाइनर में जाके पीआईपी डिज़ाइनर के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट जो क्रोमा की इफेक्ट है वो यहाँ पे हम देंगे। यहाँ पे ड्रॉपर सिलेक्ट करके आप देखिएगा इसको ऐसे मैं कर लूँ तो पूरी ग्रीन स्क्रीन पीछे से गायब हो गई है। बस कलर रेंज और डिनॉइस के हिसाब से मैं इसको यहाँ पे अपने आप को सेट कर लेता हूँ जहाँ पे ये क्लियर नज़र आ रहा हूँ मैं। ये दोस्तों कर लिया और यहाँ से आप देखेंगे जो क्रॉप करने का ऑप्शन है यहाँ से मैं अपने आपको इस तरह से साइड पे प्लेस कर लेता हूँ और इसको ओके कर देते हैं। अब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये दोनों की जो ऑडियोज़ हैं वो एक जैसी हैं इसमें से, इसलिए मैं एक ऑडियो को ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ से अगर मैं प्ले करूँगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगी। सो दोस्तों इस तरह से ये वाला इफेक्ट जो है दिया जा सकता है। तो ये दिस इज़ अमेजिंग कॉन्सेप्ट, और अगर ये लाइव अगर आप ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। सो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये चीज़ अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज़ अमित कश्यप साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।